हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पुष्पा किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखानी। दाल मखानी बनाने के लिए चलिए आज बता रही हूँ किस तरह से बनाएंगे। दाल मखानी बनाने के लिए 25 ग्राम मखाना ली हूँ, 200 ग्राम दाल लेकर के मैंने सिंझा ली हूँ। इस तरह से देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से सिंझ गई है। दो प्याज हमने काट ली हैं, 6 पीस मिर्चा हमने काट लिया है, 2 टमाटर काट लिए हैं, थोड़ी सी पुदीना है, 1 फुट लहसुन है, 1 इंच का आदि है पीस कर पेस्ट बना ली हूँ, 1/2 जीरा है, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच गुलकी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है। अब चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ाई है। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी मखाना भूनने के लिए। घी गर्म हो गई है, इसमें मखाना हमने डाल दिया है फ्राई करने के लिए। हल्का ब्राउन हो गया, मैं निकाल लूँगी मखाना अपने। मखाना डाल करके बहुत अच्छी बनती है दाल मखनी। आप रोटी साथ खाइए, चावल साथ खाइए, या पूड़ी साथ खाइए, पराठा साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है दाल मखनी। हमारी अच्छी लाल ब्राउन हो गई है मखाना, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए 2-3 चम्मच मैं घी डालूँगी। 3 चम्मच हमने डाल दिया घी, अब मैं उसमें फ़ोरन डालूँगी। 2 तेज़पत्ता है, 3 मिर्चा है, थोड़ी सी जीरा है। हमारी तैयार हो गई, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। 2 प्याज काटी थी उसको डाल करके हमने फ्राई करेंगे। देखिए हमारी हल्का ब्राउन हो गई है लाल प्याज। अब इसमें हरी मिर्च मैं डालूंगी काट के जो रखी थी 6 पीस। डाल करके फ्राई इसी तरह से कीजिएगा। मैं अब इसमें टमाटर डालूंगी, 2 पीस टमाटर थी। टमाटर गलने तक इसी तरह से फ्राई करनी चाहिए। हमारी टमाटर गलेगी तब इसमें मैं मसाला डालूंगी। मेरे टमाटर हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें मैं लहसुन आदि का पेस्ट डालूंगी। इस तरह से फ्राई करूंगी मैं अभी, इसी तरह से चलाते रहने हैं। अब लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, सेंट अच्छी आ रही है खुशबू। अब इसमें धनिया पाउडर मैं डालूंगी, जीरा गुलकी पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च मैं डालूंगी। अब थोड़ी सी मैं पानी इसमें डाल करके फ्राई करूँगे। अच्छी तरह से हमारी मसाला जब फ्राई हो जाएगी तो बहुत अच्छी तड़का बनेगी। स्वाद अनुसार नमक इसमें डालनी है। मसाला तेल छोड़ने लगी है इसमें, अब इसमें थोड़ा सा मैं हींग डाल दूंगी। इस तरह से चलाइएगा। अब हमारी मसाला तैयार हो गई है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी। अब मैं इसमें दाल डालूंगी। देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से घुल गई थी, पहले बना चसिन जग गई थी। देखिए तड़का के बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी अच्छी दिखाई दे रही है। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी, पुदीना पत्ता डाल दूंगी,
डाल करके एक मिनट के लिए मैं तोप के छोड़ दूंगी। देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है, पक चुकी है अच्छी से। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए हमारी दाल मखनी बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। यह पूरी के साथ खाइए, या पुलाव के साथ खाइए, या रोटी के साथ खाइए, या पराठा के साथ खाइए, कोई चीज के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह से बनाइएगा, फैमिली के साथ खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा।